सचिन पायलट ने पत्नी सारा से लिया तलाक, चुनाव नामांकन निर्देशन में हुआ खुलासा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपनी पत्नी सारा पायलट से तलाक ले लिया है। जी हाँ, यह खुलासा आज सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव को लेकर टोंक में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, उस दौरान जो शपथ पत्र पेश किया गया था उसमें यह खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने शादी की जगह तलाकशुदा लिखा था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सचिन पायलट ने यह उनकी शादी का जो लंबा करीब 19 साल पहले उन्होंने जो शादी की थी उसमें तलाक हो गया। यह गुपचुप तरीके से उनके बीच कब तलाक हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल नाम निर्देशन पत्र में सचिन पायलट द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया है उसमें शपथ पत्र दिया है, उसमें उन्होंने तलाकशुदा लिखा है। आपको बता दें कि इनकी जो शादी है 19 साल पहले हुई थी, 2004 में इनकी शादी हुई थी। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र भरने के बाद जो शपथ पत्र दिया उसमें पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक होने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि तलाक कब हुआ है। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों आरन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नवंबर 2018 के दौरान जब चुनाव हुए, रिजल्ट आए और जब सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तब उनकी पत्नी सारा और उनके दोनों बेटे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और उसके बाद वापस वैवाहिक जीवन को लेकर न कोई खबरें आई और न ही वे कभी सामने आए। और इस बीच में सचिन पायलट और उनकी पत्नी के बीच क्या कुछ हुआ वह मीडिया में कभी भी सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ। लेकिन पहली बार आज वापस विधानसभा चुनाव में जब सचिन पायलट ने नाम निर्देशन पत्र भरा टोंक में, तब यह उनके एफिडेविट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने उनकी पत्नी सारा से तलाक ले लिया। फिलहाल उनके बेटे जो हैं वो दोनों उनके पास हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान जो शपथ पत्र था उसमें भी सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था। इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा हुआ है। बता दें कि सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चली थी। उस वक्त इन्हें अफवाहें बताकर खारिज कर दिया गया था। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उनकी पत्नी सारा मौजूद रही थी। उनके ससुर हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सचिन पायलट ने सारा से जनवरी 2004 में शादी की थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। दिसंबर 2018 में सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उस दौरान समारोह में सारा पायलट और दोनों बेटे और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे और तब उनके फोटो भी सोशल मीडिया पर और मीडिया में साझा हुए थे। सचिन पायलट और सारा के तलाक की ये खबर दैनिक भास्कर न्यूज़ पोर्टल पर भी चल रही है और उसमें भी उन्होंने बकायदा विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 के नाम निर्देशन पत्र के एफिडेविट भी उन्होंने संलग्न किए हैं, जिसमें पत्नी सारा के तलाकशुदा होना लिखा हुआ है। आपको बता दें कि पायलट की प्रेम कहानी भी फिल्मी ड्रामे की तरह है। सचिन अमेरिकी में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल में थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी और उस दौरान इसके साथ ही उनके प्रेम कहानी शुरू हुई। सचिन और सारा ने जनवरी 2004 में शादी की थी। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। शादी के कुछ महीनों के बाद ही सचिन राजनीति के मैदान में उतर गए। महज 26 साल की उम्र में
दोसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीत कर सबसे युवा सांसद बने थे। इसके बाद समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी बुलाकर सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था और इसी के तहत उनके बीच में कुछ ठीक ठाक सा चला, लेकिन बाद में वापस सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा के बीच में कहीं कहीं अनबन हुई और उसी अनबन के चलते सचिन पायलट ने उन्हें तलाक दे दिया। फिलहाल उनके जो दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे सचिन पायलट के साथ हैं, जो कि उन्होंने इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो नाम निर्देशन पत्र आज जो दाखिल किया है उसमें उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। फिलहाल सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा के बीच जो तलाक कब हुआ, इस तलाक के पीछे की क्या कहानी है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र दिया है उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा से तलाक हो चुका है। हम प्रयास करेंगे सचिन पायलट की जीवन से जुड़ी, उनके शादी से जुड़ी और तलाक से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।